अस्सलामु अलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसी है? अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ किचन से कर रही हूँ और ये आपको आधा किलो टेंडे और दो आलू नज़र आ रहे हैं और तीन छोटे छोटे प्याज नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या बनाने वाली हूँ? देखिए, मैंने तीन छोटे छोटे प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वन एंड हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1.5 टी स्पून मसाला लिया है, 1/2 टी स्पून हल्दी, जीरा और चाट मसाला लिया है और 3/4 नमक लिया है और दो आलू हैं इनको भी मैंने काट लिया है और 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। जी, मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और सब्ज़ियाँ कुदरत की एक नेमत और ख़ूबसूरत तोहफा है, इनकी कदर करना चाहिए और बच्चों को शुरू से ही सब्ज़ियाँ खाने की आदत डालना चाहिए। हर सब्ज़ी की अपनी अपनी जगह बेहद अफादियत है, चाहे वो आलू हो, चाहे वो टेंडे हो, कोई भी सब्ज़ी हो, बच्चों को शुरू से ही आदत डालें कि वो सब्ज़ियाँ खाएँ। एक दफ़ा इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मेरी अम्मी ने बैंगन बनाए जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने बुरा मनाया, तो मेरी अम्मी ने मुझे 1 हफ्ते तक बैंगन खिलाए, यहाँ तक कि मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगने लगे। तो कुछ ऐसी हैबिट अपनाएं, कुछ ऐसा तरीक़ेकार अपनाएं कि बच्चे सब्ज़ियाँ ज़रूर खाएं, क्योंकि हर सब्ज़ी की अपनी अपनी जगह बेहद अफादियत है। तो चलिए जी, आपने देखा है कि मैंने जो तीन छोटे छोटे प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जब वो सुर्ख हो गए तो उनमें नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला और ये सारा कुछ डाल के मैंने सुर्ख कर लिया और साथ ही मैंने 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। तो मैं ये चीज़ें ज़रूर डालूंगी क्योंकि मैं आलू भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया है। और अब मैंने तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, अब वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये मैं जो है बना क्या रही हूँ, मैं टेंडे और आलू की भुजिया बना रही हूँ। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे। अगर आपके पास मटन की यखनी हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अपने कोफ्ते रेडी कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बेटी आई हुई हैं तो उनके लिए भी मैं खाना रेडी कर रही हूँ। तो जी, जब तक ये मेरा जो देखे टमाटर मैंने ऐड कर दिए थे, टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं और अब मैं इसमें पहले आलू डाल दूंगी। जब आलू थोड़े गल जाएंगे तब मैं टेंडे डालूंगी। और हर सब्ज़ी की अपनी अहमियत है क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्जियों में प्रोटीन से लेकर फोलात, कैल्शियम तक सब कुछ शामिल किया है, तो इसीलिए सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए और सब्जियों को कोशिश करें कि कम से कम पकाया जाए ताकि उनके विटामिन ज़ाया ना हो, और कोशिश करें कि सब्जियों को पहले से काट कर ना रखें, इससे भी विटामिन ज़ाया होते हैं। ये देखिए, मैं अभी अभी फ्रेश बना रही हूँ और इसी वक्त ही मैंने ये सारा कुछ ऐड कर रही हूँ। तो जी, मैंने आलू ऐड कर दिए, आलू थोड़े से जब पक जाएंगे तो फिर मैं इसमें टेंडे डालूंगी। तो साथ साथ ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़े से पके हैं और अब इसमें मैं टेंडे डाल रही हूँ। तो टेंडे जो है मेरे 1/2 किलो हैं, तो ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इन दोनों के, आलू के और टेंडों के, मैं फ़ायदे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए, मैं आपके साथ एक अच्छी बात भी शेयर कर लूँ। दूसरी तरह मेरे चिकन के कोफ्ते बन रहे हैं। जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको अपनी खूबियों का, उनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खूब ज़्यादा होते हैं। जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसीलिए ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश है। इसीलिए जो लोग जो है डिसलाइक करते हैं तो उनसे भी मैं खुश होती हूँ क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अपनी वीडियो ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ। जी, तो ये देखिए, मैंने टेंडे भी डाल दिए हैं और ये जी ये पक रहे हैं और खिले खिले आपको बहुत फ्रेश नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ मेरे जो है चिकन के कोफ्ते रेडी हो रहे हैं क्योंकि बेटी आई हुई है, उन्होंने अचानक कहा है, अगर पहले से कहा होता तो मैं इससे भी अच्छी चीज़ उनके लिए तैयार कर लेती, तो बस वो जी अचानक आई हैं तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बच्चों को कर सकती थी तो वो मैंने किया है। तो ये देखिए, अब मेरे जो है टेंडे और आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है, आपको खिली खिली नज़र आ रही होगी। अब इसमें मैंने जो है सब्ज मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो ये देखिए मेरे मज़ेदार
मज़ेदार टेंडे और आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है और दूसरी तरफ मेरे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। फिर अब हम ये सारा कुछ मैं दोपहर के वक्त तैयार कर रही हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बस ये रेडी हो जाएगा और फिर हम खाना सर्व करती हूँ और फिर मिल बैठ के खाना खाते हैं। तो गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखें जी, ये मेरे टेंडे और आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है, देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। याद रखिए कि टेंडे हलक की नाली को तर करते हैं, सोजिश के खिलाफ काम करते हैं, खुश खांसी में फ़ायदा पहुंचाते हैं और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करते हैं और पसीने से होने वाली जलन को दूर करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताऊं कि आप जब भी रोटी रखें तो फॉइल पेपर नीचे रखें, इससे रोटी बहुत नरम और सॉफ्ट रहती है। ये देखिए मैं रख रही हूँ, ये रात तक, अगर रात लेट नाइट भी अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। तो ये देखिए, मैं आपको ये टिप बता रही हूँ। तो जी, मेरा खाना रेडी हो चुका है, बस अब मैं खाना सर्व करने वाली हूँ और अब हम दोपहर का खाना इंजॉय करते हैं जी। और इस दौरान शाम का वक्त हो गया है, शाम को जब हम उठे हैं तो मैंने शाम की चाय तैयार की है और मज़ेदार से समोसे और पकौड़े मंगवा ली हैं, जिसको अभी हम इंजॉय करेंगे और शाम की चाय पियेंगे, क्योंकि शाम की चाय के साथ कुछ ना हो, चाहे सख्त गर्मी भी हो, तब भी हमारी आदत है कि हम चाय ज़रूर पीते हैं और चाय के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ लेते हैं। अब जी, ये रात का वक्त हो गया है, रात को बच्चों ने मिल्क शेक भी पिया है, लेकिन फिर लेट नाइट हमने खाना खाया है। ये मैंने बीफ की सीखें मंगवा ली थी और इनको मैंने टमाटर में सर्व कर लिया, ये बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए, आपको लुक उनकी बता रही है कि ये कितनी टेस्टी बनी है जी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।